नसी अरुण ने बताया है कि इस देश का उद्धार दो मंत्र करें। पहला 1906 में प्रकट हो गया, दूसरा 84 में प्रकट हो गया। उसे अरुण ने उसको संजीवनी मंत्र कहा, संजीवनी मंत्र समझा समझा। वो पास्टिक है, मोस्ट सीक्रेट है, बट नॉट गेट रिवील, इंस्पायरेज नहीं हुए अंदर से। तो सीक्रेट का इसलिए आप किसी को नहीं बताओगे, साथ दीक्षा ले लिए उसको बता दो अनपढ़ पर, मगर उसको नहीं बताओगे जिसने दीक्षा नहीं ली। और झूठ भी तो बोलता ले लिए तो बता दो, आपका दोष नहीं होगा, तो उसको कुछ फायदा नहीं होगा। जब मैं लाइव करूंगा 30 जुलाई को, तब फिर विश्व स्तर पर मैं उसको ओपन कर दूंगा, फिर चाहे बताना किसी को, कोई चिंता की बात नहीं। मगर जब तक आप 30 जुलाई को सब ज्यादा आप लोग पढ़ाना, सात सात को गुरु पूर्णिमा है, अगर शुक्रवार होता तो बहुत ही आनंद आता, पर मंगलवार है, मंगलवार जब आपको ध्यान लग जाएगा आपका विज्ञान कहता है जो शब्द बोला गया है वो संजीवनी मंत्र है ना। अब वो पश्चिम तो नहीं समझेंगे, हनुमान जी देव संजीवनी बुद्धि लाए, लक्ष्मण देव हो गया, मजा तो नहीं पूछ सकता। आप संजीवनी मंत्र में आपको बताऊंगा, आप किसी को रोगी होता है, एड्स है, कैंसर है, हेपेटाइटिस बी है, ब्लड कैंसर है, वो संजीवनी मंत्र है, इसलिए आप नहीं मरोगे उस रोग से। मैं ये 20 साल से इस देश में कह रहा हूँ, खाने का तीन तो घर गई है। और वो कहता है अभी तुम्हारी गवर्नमेंट को जो बुलाना चाहती है तो भारत सरकार नहीं पूछेंगे तो उनको इसी जगह से रिक्शे लेने मैं नहीं जाऊँगा। सूर्य नगर से ऐसा प्रकाश हो गया और जिसकी तस्वीर आप ले परंडे में लाकर लिटा दिया था। मथुरा दास मथुर हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया, अरविंद कुमार तो अभी भी है, तो मैं अकेला ईरान से बैठे हूँ, वहां से बैठे हो जिनके चल गया गांधी बाजार, गांधी बाजार में बैठा था, आगर में नहीं कर रहा। तो उसको लोगों ने कहा कि आप तो नहीं बोलते हो, उसने कहा भाई सारे डॉक्टर निकला, मैं अकेला कैसे आवाज उठा सकता हूँ। तो जयपुर में जो नाकों का डॉक्टर है वो तो मेरे पास भेजता है पेशेंट कि मैं 5 से 7 दिन में रखूंगा, ठीक होना है तो 2%। वसुंधरा सरकार ने ऑर्डर दिया देखो आए इंक्वायरी करो, उसने कहा दो ही केस दे दो आप, बाकी छोड़ो। आपने डिस्चार्ज कब किया था पवन को, आज जिंदा क्यों है और बिना दवाई के? और बद्री के घाटे होते थे उसमें बस पड़ गया था मधुमान लेती थी, मेरे से शिष्य गंगाराम जी वो गए मित्र है, तो कह रहे बद्री क्या है, कुछ नहीं डॉक्टर, शंकर राम जी डॉक्टर कहते हैं 15-20 दिन की बात है, कोई इलाज ही नहीं बचा है, बड़े अस्पताल में तस्वीर देखी बैठ कर सामने रख दी, ध्यान का कहीं का बता दिया, ध्यान में उनको योग होने लग गया और 5-6 किलो पड़ गया अंदर ही। अब विश्वास हो गया कि ठीक तो हो जाऊंगा, डॉक्टर को सर बद्री छुट्टी दे दे दो, बाद में कोटा आते जरूर उसने दीक्षा ली, मैं मुंबई से कोटा आया था। वहां गोविंद आचार्य है आपके दिल्ली में, वो मेरा दीक्षित शिष्य है, भैरव सिंह जी से था जो उपराष्ट्रपति थे, उन्होंने गोविंद नारायण जी के मंदिर के 2000 आदमी सामने मेरे दीक्षा ली थी, मगर कोई नहीं बोले, ना गोविंद आचार्य जी बोले ना भैरव सिंह जी बोले।
उन्होंने शुभकामना संदेश जरूर दे दिया अपने कार्यालय से, और तीन उनके नंबर है और तीन मूर्ति को तस्वीर है उनके सेक्रेटरी ने दिया हो रहा है, हमारे पास फाइल में रखा है, मगर बोले नहीं कि ठीक हो रहा है। तो इस प्रकार ये जो परिवर्तन आ रहा है मानव मात्र आ रहा है। मैं चेयरमैन का मैनेजर ट्रांजिशनल बींग इज नॉट फाइनल स्पष्ट घोषणा की हुई है कि आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगा। अब पश्चिम बोलते इसलिए नहीं, विमान पर्व ट्रांसफॉर्म हो गया उनको गलती नहीं है, मगर एंड ठीक हो गया आज तक नहीं हुआ। हेपेटाइटिस बी ठीक हो गया, एक बोरा दिया बड़ौदी उनको हेपेटाइटिस, कल जरूर बोलेंगे अशोक गहलोत को भी सारा दूंगा मामला समझे समझे। और आपके मथुरा दास मातृ हॉस्पिटल के डिस्चार्ज देख लो क्यों हो गए, तो आज जिंदा क्यों है बिना दवाई के, देखो सरकार क्या कहती है। बाड़मेर के एमएलए हैं वो भी मेरे से फाइल ले गए समझे समझे, उन्होंने भी कहा कि मैं हाईकमांड को भाग दूंगा और कहूंगा इसकी इंक्वायरी करो, साइंटिफिक इंक्वायरी करा लो, पहले वालों को नहीं मानो अभी ले आओ एम्स ले आओ और बॉम्बे से ले आओ, बॉम्बे के सैकड़ों जो है मुस्लिम मेरे दीक्षित है और हाल कर जाए। तो ये मनुष्य मात्र में होने वाला परिवर्तन है, ये कोई मिराकल नहीं है, मिराकल नहीं है, जादू नहीं है। तो ये विकास केवल भारतीय दर्शन कराता है, इसलिए परेशानी है। यहूदी कहते हैं हमारे धर्म ने नहीं करवाया, ईसाइयों ने नहीं करवाया, मुसलमानों ने नहीं करवाया, वो तो पैगंबरवादी धर्म है, ईश्वरवादी नहीं है। ईश्वर का अवतार तो इस पुण्य भूमि पर हुआ है, राम और कृष्ण से अवतार हो, अब वो राजनीतिज्म आगे आ रहा है। तो परिवर्तन तो मनुष्य में आ रहा है, ईसाई मुसलमान बहुत ज्यादा सभी मान रहा है। तो इस प्रकार मैंने किताब लिखे रिलीजियस रिवोल्यूशन इन दी वर्ल्ड, जो भी पागल जाता है उसको ट्रांसलेट किया है इंग्लिश में, मैं इंग्लिश नहीं रहा। तो उसमें एक उन्होंने हिसाब दिया कि ईसा 18 साल कहां था, 12 साल के उम्र में ईसा गायब हो गया, 18 साल कहां रहा, ये उनका बाइबल भी कहती है पता नहीं वो कहां रहा, और 30 साल की उम्र में प्रकट हो गया, 3 साल बेचारा रहा, उन्होंने मार दिया उसको। तो ये ऐसा कर, मैंने उनको कहा कि आप अनलिमिटेड पास्ट देखोगे तो ईसा का जन्म और 18 साल का जाएगा, तो उसने बाद में प्रकट हुआ पता है एक्सेप्ट मैन तीन दो इंडियन ये बीज बढ़ना बीज बढ़ना के तो हमारे दर्शन का देता है, ये उसने कहा देगा जिसको उनको पास करने के बाद बड़ी समस्या की है। मेरे को